कटरा के श्री माता वैष्णो देवी के रेलवे स्टेशन पर एसएसपी रंजीत सिंह सनवयाल ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए व प्लेटफॉर्म पर पुलिस बूथ स्थापित किए गए ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके उपरांत एसएसपी रंजीत सिंह सनवयाल सहित एसएचओ नरेंद्र शर्मा ने पुलिस बल के साथ प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और आने जाने वालों की पुलिस बल ने जांच की तो वही रेलवे स्टेशन पर बने फ्रीजकिंग मशीनों की जाँच की गयी और साथ ही उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है ताकि नवरात्रि में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह के सामाजिक तत्वों से परेशानी ना हो। रेलवे स्टेशन पर बने सभी बूथों पर अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है और एसएसपी ने एसएचओ नरेंद्र शर्मा को निर्देश दिए कि स्टेशन से चलने वाले ऑटो रिक्शा के रेटों की जाँच की जाए क्योंकि आए दिन ऑटो रिक्शा वालों के रेट को लेकर शिकायतें मिलती रहती है। पूरा ट्रैक का इंस्पेक्शन किया है, कटरा से लेके हमारा संगठ तक एरिया है तो हमने पूरा रेल पुली पे जाके हमने उसको पर्सनली उसको हमने चेक किया है और अपने जो हमारी टनल्स हैं, कलवर्ट्स हैं और ब्रिजेज हैं उस पर जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उसको और स्ट्रेंथन किया है, प्रॉपरली ब्रीफ किया है क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स में आ सकती हैं उसको कैसे टैकल करना है। उसके अलावा जो मेन दो रेलवे स्टेशन हैं कटरा और उदयपुर उस पर हमने क्विक एक्शन टीम्स भी लगाई इनकेस कहीं फिजाइन अटैक हो जाता है या रश को दे के कोई ब्लास्ट कर देता है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है वो हमने पूरी एक्सरसाइज करके अपने कंसर्न SDPOs और SHOs को भेज दिया। किस तरह के केंद्र हैं और कौन कौन से स्टेशन है जहाँ पे ये स्थापित किए हैं? आज हमने ये हेल्पलाइन स्टार्ट की है जो पहले नहीं थी रेलवे स्टेशन में और आए दिन यात्रियों को परेशानी होती थी कि आम लोगों से पूछते थे, ऑटो वालों से पूछते थे, टैक्सी ड्राइवरों से पूछते थे तो थोड़ा वो मिसगाइड हो जाते थे। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने लॉन्च किया है उधमपुर रेलवे स्टेशन पर भी और आज कटरा स्टेशन पर भी। पहले इनिशली ये दो मेन स्टेशन है, यहाँ स्टार्ट किया है। कोई भी पब्लिक आएगी वो आके हमारे पुलिस वालों से और यहाँ पे एक रेलवे अथॉरिटी का आदमी भी रहेगा जो उनको प्रॉपरली गाइड करेगा कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या जेन्युइन रेट्स हैं, कहाँ पे खाना है, कहाँ पे आप रह सकते हैं, पूरा डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। आमतौर पर श्रद्धालुओं की शिकायत रहती है कि जो टाउट सिस्टम है और ऑटो वालों के रेट्स को लेकर उस पर किस तरह की कार्रवाई की है? बिल्कुल उसी को हमने नज़र में रखते हुए स्टार्ट किया है। जो जेन्युइन रेट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, उससे अवेयरनेस आएगी एक आम पब्लिक में, वो उसके साथ ऑटो वाले के साथ या टैक्सी ड्राइवर वाले के साथ बात भी कर सकता है कि भाई हमें ये रेट बताए गए हैं आप ज़्यादा क्यों ले रहे हैं। इन केस वो ज़्यादा रेट लेते हैं हम अवेलेबल हैं, हमारे नंबर्स हमने दिए हुए हैं, जो भी किसी को भी प्रॉब्लम किसी भी जगह पर आती है वो हमें इमीजिएटली रिंग कर सकता है और हमारा बंदा अवेलेबल ही उनको हेल्प करेगा। कल से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के चाकी किस तरह से?